संभव है फाउंडेशन ने एक प्राइवेट होटल विच ब्रेस्ट कैंसर ते एक वर्कशॉप दा आयोजन कीता, जिस विच तकरीबन 70 औरतां ने हिस्सा लिया। इस मौके ते फाउंडेशन दे चेयरमैन अनुपम गुप्ता ने दस्या कि संभव है फाउंडेशन हर उस दिशा च अपना सहयोग दे रही है जिथे उन्हां दी लोड़ पवे। इस वर्कशॉप च विशेष तौर ते डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोर आयरलैंड दे डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने भाग लिया अते ब्रेस्ट कैंसर दे बारे दस्या कि किवें देश विच हौली हौली विकसित होण वाले 70% मामलियां विच 35% शुरुआती पड़ावां विच हन। उन्हां ने दस्या कि ब्रेस्ट कैंसर साडी आधुनिक जीवन शैली नाल वध रिहा है, इस दे पिछे साडी डेली रूटीन बदलना है। उन्हां ने महिलावां नूं सलाह दित्ती कि जेकर उन्हां दी छाती च गंढ होवे जां छाती लीक करे तां डॉक्टर नूं जरूर दिखाउण। साडे देश च ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी नाल वध रिहा है, जेकर तुसीं डॉक्टर कोल पहुंचदे हो तां स्टेज 1 ਅਤੇ ਸਟੇਜ 2 ਏ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਲੀ ਫੀਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕੋ ਡਰਾਈਵ ਕੀਆ, ਇੱਕ ਹਮਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਕੋ ਡਰਾਈਵ ਕੀਆ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹਮਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਏ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇ ਬਚਾ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋ ਕਾਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਰਲਾ ਕੇ ਕਾਮੋ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है बड़ी कॉमन सी आज की डेट में प्रिवेलेंट डिजीज है, कैंसर अपने आप में एक शब्द ऐसा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है और आपके कॉन्फिडेंस को लैक कर जो है बेसिकली हार्म करता है। उसकी जो मिथ है कैसे हो सकता है, क्यों होता है और कैसे हम इसके अंदर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसी की अवेयरनेस के लिए हमने ये सेमिनार बेसिकली अरेंज किया। डॉक्टर अभिषेक ने दसिया कि विश्व सेहत संगठन WHO ने अंदाजा लगाया है कि साल 2020 तक दुनिया भर च ब्रेस्ट कैंसर दे मामले काफी बढ़ जाएंगे। जेकर जल्दी डायग्नोसिस कर लीती जावे तां ब्रेस्ट कैंसर तो बचण दी संभावना 98% हो सकती है। सेहतमंद खुराक अते जीवन शैली विच सुधार करके छाती दे कैंसर दे जोखम नूं 40% तक घटाया जा सकदा है। अगर 500,000 2,000-5,000 रुपए कमाने की कैपेसिटी में आए, स्टिचिंग आज की डेट में बहुत बड़ा फील्ड बन गया है, बिकॉज इतनी ज्यादा ड्रेसिंग बिकती है, इतनी ज्यादा मेल और फीमेल जो ड्रेसिंग है बेसिकली आउटसोर्स होती है, बड़े से बड़े जो बाजार जो स्टोर है वो भी अपने आप में बनाते हैं, वो बाहर से बनवाते हैं, तो अगर उनके पास अच्छी स्किल्स होंगी, स्टिचिंग की स्किल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि 6 महीने साल 2 साल के अंदर हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए जिसमें लोगों को रोजगार दे। विकास बांबड़ी की स्पेशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द TVNRI।